फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, ये SBI बैंक का कार्ड है, SBI बैंक का चार्ट है, सॉरी SBI बैंक का चार्ट है। और ये लुक्स लाइक्स काफ़ी वीक लग रहा है, क्योंकि अभी आप देखोगे मैंने एक चार्ट पैटर्न ड्रॉ किया और चार्ट पैटर्न के बिल्कुल क्लोज में ट्रेड करा। इवन इसको एक बार से ब्रेक किया, फिर ऊपर चला गया, सेकेंड टाइम ब्रेक किया, फिर ऊपर चला गया, पर ये थर्ड टाइम फिर इसने इसको ब्रेक किया और अभी उसके ऊपर ही थोड़ा सस्टेन कर रहा है। अभी ये रिवर्सल है या ब्रेक डाउन है? लगता तो ऐसे ब्रेक डाउन है, क्योंकि ऊपर से रिजेक्शन होकर वापस नीचे आया है। और अभी आज RBI के बाद भी बैंक निफ्टी भी वीक तो हुआ है। कुछ भी बोलो, कंसोलिडेशन उसने किया है, ऊपर तो नहीं गया। ऊपर का तो बैंक निफ्टी में चांस अभी कम ही लग रहा है। यहाँ तो कंसोलिडेशन करेगा या थोड़ा बहुत नेगेटिव रहेगा, क्योंकि निफ्टी नेगेटिव है तो बैंक निफ्टी भी थोड़ा बहुत तो नेगेटिव रहेगा। और अगर वो नेगेटिव रह गया तो बैंक्स पर भी काफ़ी प्रेशर बढ़ेगा, क्योंकि इतनी RBI की गवर्नर ने कोई इतनी अच्छी बात तो नहीं बोली जिसमें कहीं भी उसको मतलब सपोर्ट दिया हो। उसने जस्ट नॉर्मल इधर उधर का जो बोला वही बोला, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगा नहीं। काफ़ी मैंने सर्च किया और समझा उसके बारे में, तो मुझे कोई ऐसी चीज़ उसमें अच्छी लगी नहीं जो मार्केट को सपोर्ट करें, सपोर्टिव हो मार्केट के लिए। सो ऐसा कोई अच्छा दिया नहीं उसने मार्केट को, मतलब नॉर्मल ही है। तो देखा जाए तो लुक्स लाइक चार्ट वीक ही लग रहा है दोस्तों। ये 1 आवर का चार्ट है, 1 आवर के चार्ट में भी आप देखोगे तो एक चार्ट पैटर्न के हिसाब से आसपास ही इधर ट्रेड कर रहा है। अगर इसको 1 डे में भी कन्वर्ट करके देखोगे तो कम्प्लीटली आज की क्लोजिंग इसने बिल्कुल इसके डाउन लेवल पर दी है। इसके बाद देखो, फर्स्ट, सेकेंड अटैम्प्ट, थर्ड अटैम्प्ट, फोर्थ अटैम्प्ट, दिस इज द फिफ्थ अटैम्प्ट। सेम ट्रेड लाइन धीरे धीरे ऊपर बढ़ती जा रही है और अटैम्प्ट कंटिन्यू होते जा रहा है, और इस बार ऊपर से रिजेक्शन लेके आया। अभी क्या है, इसके वापस ऊपर जाएगा या यहाँ से सीधा नीचे ब्रेकडाउन करेगा? क्योंकि इसका जो फाइनल लेवल है 603, मतलब 600 ही मान के चलो राउंड फिगर, 603 पे अभी 0.65, मैं भी फिर ये बोल रहा हूँ 1 आवर चार्ट के हिसाब से यह दिख रहा है। पर अगर इसको ब्रेक करके नीचे आता है दोस्तों, तो इसका चार्ट काफ़ी वीक हो जाएगा। फिर इसमें नीचे के टारगेट मान के चलो, इसका जो पुराना गैप है, प्रीवियस गैप, जिसको इतना बड़ा हाई जंप मार के इसने ब्रेकडाउन दिया था, ये वाला मैं तो इसी को मान के चलता हूँ, 585 यहाँ तक भी आ सकता है। सो इस चीज़ का खास ध्यान देना दोस्तों। लुक्स लाइक तो काफ़ी वीक ही लग रहा है, और इस बार मेरे को लगता है ये ब्रेकडाउन दे ही देगा और 585 का टारगेट दे ही देगा। इसको भी 606 काफ़ी बार इसके टच कर चुका है इस ट्रेड लाइन को, और अभी बिल्कुल इस नीचे वाले सपोर्ट 603 को टच करके फिर थोड़ा ऊपर गया, इसके ऊपर ही क्लोज गया। हो सकता है अभी देखो कल कैसी ओपनिंग होती है, पर इस स्टॉक पे ध्यान रखना दोस्तों, क्योंकि MACD में नेगेटिव डाइवर्जन है और स्टॉक अभी ऊपर कंसोलिडेट कर रहा है। कभी भी शार्प मूव नीचे की तरफ आ सकता है, जो इसको 585 या 590 तक ला सकता है। सो इस चीज़ का खास ध्यान देना दोस्तों। यहाँ तो यहाँ तक आएगा, ये इसका टारगेट 590 के आसपास होता है, या इसके नीचे भी थोड़ा और खिसक गया तो 585 तक आ सकता है। ये ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 दिन या नेक्स्ट वीक तक आ जाना चाहिए अगर आना होगा, नहीं तो कंसोलिडेशन करके ऊपर ही जाएगा। तो इस चीज़ का खास ध्यान देना। देखो, 1 डे के हिसाब से तो वीक है, और अभी इसको चलो 1 वीक भी करके देख लेते हैं वीक के हिसाब से क्या चल रहा है। वीक में भी देखा जाए तो इन्वर्टर हमारी बनाया है, हमारा मतलब डाउन हफ्ते के हिसाब से। 1 डे भी, 1 आवर भी, ध्यान रखना इसको दोस्तों। स्टॉक लुक्स लाइक काफ़ी वीक है, कभी भी नीचे आ सकता है। सो पोजीशन है अपनी, प्रॉफिट बुक करो। वैसे सब लोग मार्केट में कह ही रहे हैं कि अभी टाइम टू बुक योर प्रॉफिट, ये मार्केट ऑल टाइम हाई पे है, इससे थोड़ा बहुत उसमें प्रॉफिट बुकिंग तो आएगा ही आएगा, और थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन भी होगा और नीचे भी आ सकता है थोड़ा बहुत। फाइनली इतना खाने के बाद अभी थोड़ा बहुत तो हजम करना ही पड़ेगा मार्केट को। सो स्टॉक का ध्यान देना दोस्तों, लुक्स लाइक वीक है। नीचे के टारगेट तो मैंने आपको बता ही दिया है, 603 या 600 राउंड फिगर है। इसको नीचे ब्रेक करके नीचे आएगा तो 585 मैक्स मुझे लगता है आ सकता है। अगर यहाँ आने के बाद फिर कोई रिवर्स दिखाए तो बात अलग है, बाकी तो यहाँ आने के बाद ऐसे करके फिर कोई रिवर्स दिखाए तो बात अलग है, बाकी लगता है। और ऊपर का जो हाई है इसका 619 है, 619 के ऊपर जाएगा तो ही इसमें बाइंग बनती है, अदरवाइज कंसोलिडेशन और डाउन ट्रेंड, इसके अलावा और कुछ नहीं है इसमें। सो देखना दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब तो करो भाई। ओके, थैंक यू।